आपसे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। गर्मी बहुत पड़ रही है, धूप बहुत तेज है, तो अपना ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए, ठीक है, और बाहर बेवजह निकलने से बचिए, ठीक है। तो बात करते हैं हम आज 1945 एयरफोर्स गेम में कि टायर वन टूर्नामेंट जो है वो ख़त्म हो गया और टायर टू टूर्नामेंट जो है दो चार दिन में शुरू हो जाएगा, जिसमें आप जीत सकते हैं बहुत सारे रिवॉर्ड्स, ठीक है। दूसरी तरफ मैं बात करने वाला हूँ कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में इंडोट में, और दूसरी तरफ हम ये भी जानेंगे कि एयरक्राफ्ट में कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिनको भी कैरेट ओपन करना है और उनके पास जेम्स अवेलेबल हैं तो वो 1680 जेम्स का यूज़ करके, डिस्काउंट चल रहा है, 9 घंटे बचे हुए हैं, तो 1680 जेम्स का यूज़ करके उन्हें 8 ब्रॉन्ज लेवल, 8 सिल्वर लेवल और 8 गोल्ड लेवल के कंटेनर मिल जाएंगे, जिसमें उन्हें लगभग 400 के आसपास मॉड्यूल मिल जाएंगे डिवाइस, विंगमैन और एयरक्राफ्ट के, ठीक है। तो अगर आपके पास जेम्स अवेलेबल हैं और आपको अपग्रेड करने के लिए अपने एयरक्राफ्ट विंगमैन डिवाइस को मॉड्यूल्स की ज़रूरत है तो आप जेम्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आसानी होगी अपग्रेड करने में। दूसरी तरफ जो है इवेंट्स जो है वो स्टार्ट हुआ है, कौन सा स्पेशल इवेंट टू, अगर इसको ओपन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर हमें लेवल 7 का एयरक्राफ्ट मिलेगा, स्टार 7 का, ठीक है, डिवाइस मिलेगी और ये सब मिलेगा। तो 13 दिन लेफ्ट है, मतलब आपसे चालू हुआ है तो 13 दिन बचे हुए हैं, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट करके फ्री में एयरक्राफ्ट विंगमैन और डिवाइस को पा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको 50,000 मेडल्स को अचीव करना है, इतना मेडल्स आप अचीव कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। लकी रोल कम मिलता है जब आप 50,000 से ऊपर लकी रोल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कि अगर आप 4,000 पॉइंट्स एवअप करते हैं 50,000 से जितनी भी ज़्यादा बार करेंगे तो उसको आपको ये सब मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस मिलने के हैं 100 जेम्स के और 5,000 गोल्ड्स के, ठीक है, और सबके चांसेस बहुत कम हैं। तो आप जितनी बार भी 4,000 पॉइंट्स करेंगे 50,000 के ऊपर से, माइलस्टोन जो है आपका 50,000 कम्प्लीट हो जाएगा, तो आपको ये सब चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वन डे लेफ्ट है टायर टू टूर्नामेंट में, फोर्ट्रेस वार को ओपन करेंगे तो फोर्ट्रेस वार में आपको दिखाई देगा कि 60 डेज लेफ्ट है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, देखिए मेरे पास एक रोल अवेलेबल है, अगर मैं इस एक रोल को कर देता हूँ तो मिलते हैं मुझे 5-6 पॉइंट्स, ठीक है। 6 पॉइंट्स मुझे क्या मिलेगा, सील्ड टूरेंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक सील्ड मिल गई है, ठीक है, फिर लकी रोल एक का दिखाई दे रहा है, इसको मैं फिर से करता हूँ तो मुझे फील्ड इवेंट मिला है, ठीक है। यू लॉस्ट ए सील्ड टूरेंट टू एनिमीज बम्बार्डिंग, लीजिए एक मिला था वो भी लॉस में चला गया, ठीक है, एक सील्ड मिली थी वो भी चली गई थी, ठीक है। 5-5-10 मिले हैं, अगर तलवार पर रुका तो मुझे वॉर करनी पड़ेगी, फील्ड इवेंट, ठीक है। एक और फिर सील्ड मिली जा चुकी है, एक सील्ड बची हुई है केवल, 4 बार यहाँ पे फिर से -4,000, मतलब लॉस ज़्यादा हो रहा है मुझे, आज मैं जीत कम पा रहा हूँ, ठीक है। वार फंड मिला है कितने का, 2,000 का, क्लेम करते हैं फिर देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पर वार होगी, ठीक है, फाइट होगी, तो फाइट करके देखते हैं कि क्या होता है। मान लेते हैं कि मैं इनको करता हूँ, प्ले करता हूँ, सेवन मिनट्स में मुझे हराना है, ठीक है। मैं अभी एक इसको डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरा डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे एक ही प्लेन मिलता है तो इसको बहुत बचा के खेलना पड़ता है, जिससे आप अच्छे तरीके से यहाँ पे अपने को डिफेंड कर सकें। बहुत मुश्किल है, मैंने टफ चूज कर लिया है, ठीक है। मेरा मुश्किल है कि मैं उसे डिफीट कर पाऊँ, क्योंकि जब तक बूस्ट आएगा तब तक वो ऐसा बचा रहेगा, डिफीट नहीं बच पाया तो चला जाएगा सर।
एक गोली लगी और रुक गया। तो और ये जा चुका है, ठीक है। वॉच एड्स भी कर सकते हैं, वॉच एड्स का अगर हम यूज़ करेंगे तो मुझे चांस मिल जाएगा, पर मुझे लगता नहीं कि वॉच एड्स करना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ और मुझे डिफीट लिखकर आ गया है। तो इस तरीके से आप पार्टिसिपेट करते हैं फोर्ट्रेस वॉर में। फोर्ट्रेस वॉर में इस तरीके से आप पार्टिसिपेट करके चीज़ों को विन कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कि मेरे पास कितने डाइस बचे हुए हैं। लोडिंग होने में टाइम लग रहा है। एनीट्रेड एक्सेप्ट डिसकनेक्ट हो गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से फोर्ट्रेस वॉर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और चीज़ों को खेल कर जीत सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मॉड्यूल्स अगर फ्री में चाहिए, मनी फ्री में चाहिए, जेम्स फ्री में चाहिए, तो ये आपको वॉच एड्स करने पड़ेंगे। जब आप वॉच एड्स करेंगे तब आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे यहाँ पे 12 मुझे टिकट्स मिले 1945 के, 10 पे मैं क्लिक कर दूँगा तो 10 बार वो अपने आप ही प्ले हो जाएगा। ये देखिए इतनी सारी चीज़ें मुझे मिल गई हैं। क्लेम 2 बार और बचा हुआ है। क्लेम 1 बार और बचा हुआ है। इसको मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ मर्ज करने को, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ अभी तक नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई है। मैं सबके बारे में आपको बता चुका हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, वीआईपी पास कैसे परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है, किस गेम को किस तरीके से खेल सकते हैं। सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आपको केवल स्क्रॉल करके देखना है कि कौन सी जगह पे कौन सा वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है, जिससे आपको आसानी होगी कोई भी सेक्शन खेलने में 1945 एयरफोर्स गेम में, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूला करिए। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।